नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। यहाँ एक सवाल का जवाब मैं आपसे और जानना चाहूंगी, जिज्ञासा बहुत से हमारे दर्शकों के मन में भी रहती है कि क्या आप मानते हैं कि गुरु नानक देव जी जो हैं उन्होंने सतनाम जाप किया था, वो मोक्षदायक था? यदि हाँ, तो आप तो पांच व एक राधा स्वामी नाम जाप देते हैं, फिर आपका तथा आपके अनुयायियों का मोक्ष कैसे संभव हो सकता है? ये बात ठीक आपने सवाल किया है। नानक साहब ने जिस नाम को कहा सतनाम, सतनाम का मतलब कोई सतनाम के जाप से नहीं है कि शाब्दी अगर सिर्फ सतनाम ही हो। सतनाम तो उसका गुण बताया है कि जो नाम है वो सत्य है और वही सत्य आज भी है। जिस नाम को नानक साहब ने सत्य मान के जपा था उसी को हम भी सत्य मान के जपते हैं, तो उनमें कोई अंतर नहीं है। ये तो सिर्फ एक लफ्जों के हेद भेद के कारण जो हम तर्क वितर्क करने वाले इस बात को दो मान लेते हैं, दो नहीं है। संतों का मत एक ही था, चाहे वो नानक साहब ने किया हो, चाहे कबीर साहब ने कहा हो, चाहे वो सतनाम है, चाहे वो पांच नाम के नाम से है, चाहे राधा स्वामी नाम है, वो नाम एक ही है, वो सतनाम ही है। इसीलिए तो गुरु ग्रंथ साहब में जो मूल मंत्र लिखा है उसमें एक ओंकार सतनाम कहा गया है, तो वही सतनाम हम भी उसी को सतनाम मानते हैं। राधा स्वामी भी सतनाम है और वो एक ओंकार भी सतनाम है, इसीलिए वो नाम एक ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है, सिर्फ लफ्जों का हेरफेर है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एक और तो आप अपने राधा स्वामी पंथ में पांच नाम दान करते हैं और दूसरी ओर आप यह भी कहते हैं कि केवल एक राधा स्वामी नाम ही जाप करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, इसे आप सार शब्द कहते हैं। क्या इसका कहीं किसी मान्य धार्मिक ग्रंथ में प्रमाण है? क्या सही है कि आप ऐसा ही कहते हैं व करते हैं? बिल्कुल, सभी संतों ने ये माना है। क्यों माना है कि पांच नाम तो रास्ते में आने वाली ध्वनि है। ये समझाई जाती है कि जब हम आध्यात्मिक दर्जों में ऊपर मंडलों में जब सफर करते हैं, क्योंकि हमारा शरीर तीन भागों में बांटेगा, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर, और हर शरीर में छः छः दर्जे हैं, 18 दर्जे हैं उनमें। तो 18 दर्जों में से 6 शारीरिक हैं, 6 मानसिक हैं, 6 आत्मिक हैं। जब उन आत्मिक मंडलों के ऊपर हम जाते हैं जिसमें आनंद है और जिसमें कोई किसी प्रकार की आदमी में कल्पना विचार सोच या किसी मन का उसमें मिलोनी नहीं होती है, ये माया से और मन से जब दूर निकल जाता है तो उस स्थान पे जाके इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन पांच शब्द क्या है कि रास्ते में ये मंजिलों के नाम हैं, जब उन मंजिलों में से हम गुजरते हैं तो पांच ध्वनि आती हैं, वो पांच अलग अलग स्थानों पे हैं। जब हम उन स्थानों से गुजरते हैं वो पहचान के लिए हैं, असली जो ठिकाना है वो तो राधा स्वामी धाम ही है, और उसी इसीलिए इस बात को कहा गया है। एक नहीं बल्कि वो राधा स्वामी धाम को अलग अलग, जिस प्रकार से हम परमात्मा को हम राम कहते हैं, अंग्रेज लोग उसको गॉड कह देते हैं, मुसलमान लोग उसको अल्लाह कह देते हैं, कहीं उसको अपने शास्त्रों में कलमाला इबांग, उधर का गीत उधर का राग, अलग अलग नामों से पुकारा गया है। हम उसको राधा स्वामी नाम कह देते हैं, दूसरे उसको किसी दूसरे नाम से पुकारते होंगे, लेकिन ये है कि उस आखिरी मंजिल का नाम ही राधा स्वामी नाम है। और वो पाँच नाम तो रास्ते में आने वाले हैं। ये भूल है लोगों की, पांच नाम का सुमरण करने की कहते हैं या कहते हैं कि पांच नाम से मुक्ति होगी या पांच नाम से कल्याण होगा। हाँ, ये पहचान है, उन दर्जों में से गुजरते जब जाएंगे तो उन दुनियों को सुनते चले जाएंगे। तो इसलिए मंजिल तो ठिकाना तो असली जो है वो सार शब्द का राधा स्वामी नाम ही है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। तो कहने का भाव यह है कि अब आपको दिखाते हैं ये राधा स्वामी पंथ वाले कहाँ ले जाएंगे, करोड़ों श्रद्धालुओं को इनको नरक में खींच रहे हैं, ले जा रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं श्री सावन सिंह जी के द्वारा लिखी गई अपना अनुभव, संत मत भाग 3 और 4 दिखाते हैं आपको। ये देखिएगा संत मत प्रकाश भाग 4, हजूर महाराज सावन सिंह जी के सत्संगों का संग्रह, राधा स्वामी व्यास से प्रकाशित है। संत मत प्रकाश भाग 4,
हजूर महाराज सावन सिंह जी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, प्रकाशक हैं सेवा सिंह सेक्रेटरी, राधा स्वामी सत्संग व्यास, डेरा बाबा चैमल सिंह, जिला अमृतसर। ये मुद्रक हैं सरताज प्रिंटिंग प्रेस, टांडा रोड, जोशी एस्टेट, जालंधर से। इसमें देखो कितना क्लियर लिखा है इन्होंने, और इनका आप समझ में आई नहीं। ये देखो आप 261 पृष्ठ पर दिखाते हैं, ये कोई इस शिवदयाल नकली के द्वारा या नकली वाणी बना रखी है। अक्सर रूप निरखती चाली, छोड़ दिया देश बिगाना, ये उनकी अब इसका फिर सरलार्थ किया है। यह संसार सर है और अक्सर है वह ब्रह्म है, अक्सर ब्रह्म है नियक्सर पार ब्रह्म है। जब से यह संसार बना है हम इस महल दुनिया में गुजारा करते आ रहे हैं, किंतु अब गुरु की कृपा से आत्मा इस महल को छोड़कर सतलोक को जा रही है। अब देखियो सावन सिंह जी, ये भी भांग पी के लिखा होगा इसने, अभी सतलोक को जा रही है आगे चलो। और श्री गुरु ग्रंथ साहिब में बड़े गहरे और गुप्त रहस्य हैं। एक स्थान पर आता है आदि गुरु ग्रंथ साहिब 340 पृष्ठ पर है, 52 अक्षर लोक तरफ है सब कुछ इनके माही, और ये अक्षर खिर जाएंगे वो अक्षर इनमा नाही। आगे देखो, क्योंकि वो जो असली मंत्र है ओम के साथ जो दूसरा मंत्र लगता है वो इन किसी ग्रंथों में नहीं है, इसका अर्थ ये है। इन्होंने कहा 52 अक्षर संस्कृत भाषा के हैं, शायद ही कोई ऐसी भाषा हो जिसके 52 अक्षरों, इस संसार का सारा मसाला 52 अक्षरों में आ जाता है। पेंड अंड का हाल तो 52 अक्षरों में आ गया, ये पेंड और अंड को अलग मानते हैं, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल भूल है इनकी। आगे 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, ये 2 अक्षर और हैं जो पार ब्रह्म है, इसके विषय में ग्रंथ साहिब में लिखा है, ये देखना 1171 पृष्ठ पर गुरु ग्रंथ साहिब में। फिर जेतु पढ़्या पंडित बिन दुई अक्षर दुई नामा, 2 अक्षर 2 नाम नहीं तेरे पास हैं तो पर्णवत नानक एक लंघावे जे जेकर सत समावा, गुरु ग्रंथ साहिब के 1171 पृष्ठ पर। अब ये क्या अनुवाद करता है सावन सिंह जी, यदि तुम गुणी हो तुम ज्ञानी हो वे अक्षर बताओ। अब आप उत्तर दे रहे हो वे अक्षर पार ब्रह्म हैं, एक अक्षर ने दुनिया बनाई और एक ने सतलोक बनाया। देख इसे मनगढ़ंत बकवाद कर रखी है। यही कबीर साहब कहते हैं, कह कबीर अक्षर दोए भाख, होएगा खसम तो लेगा राख। है अब कबीर साहब की वाणी का भी दिया है कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है कबीर साहब की वाणी 329 पृष्ठ पे। अब इसमें कबीर परमेश्वर स्पष्ट कर रहे हैं कि कह कबीर दो अक्षर दो भाख, यानी इन दोनों अक्षरों को बोल बता, और होएगा खसम तो लेगा राख, यदि अधिकारी होगा इन दो अक्षरों को देने का वो संत, तो खसम यानी परमात्मा उन भक्तों की अवश्य रक्षा करेगा। कह कबीर अक्षर दोई भाख, होएगा खसम तलेगा राख। कबीर साहब भी कह रहे दो अक्षर कहिए बोल, ये के आगे मिल लेंगे। आगे देखो गुरु नानक साहब जी कहते हैं, एक अक्षर हरि मन वसे नानक होत निहाल, इनसे अलग है वो सार नाम, वो तीसरा मंत्र। आगे देखो अब 262 पृष्ठ पे, 261 हमने पढ़ दिया संत मत प्रकाश भाग 4 का। एक स्थान पर फिर गुरु साहिब कहते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शास्त्र, इन पढ़्या मुक्त ना होई, एक अक्षर जो गुरुमुख जापे तिसकी निर्मल सोई। ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ 747 में, ये सारनाम की तरफ संकेत है। अब आगे क्या बताते हैं, अब देखो ये सावन सिंह जी के अनुवाद, अब उन दो अक्षरों के बारे में डिफाइन कर रहे हैं सावन सिंह जी, वह अक्षर आपके अंदर हैं और पार ब्रह्म में जाकर मिलेंगे, भूत बने पाछे मिलेंगे वो दोनों मंत्र, इनका कहना है। यह धर्म हमारा धर्म नहीं, यह जात हमारी जात नहीं, यह देश हमारा देश नहीं, हमारा देश सचखंड है, हमारी जात सतनाम है। अब देखिए सतनाम पर घाटा जोड़ रे की तो सार शब्द भी यो है, सतनाम भी यो है, सत शब्द भी है, सतपुरुष भी यही है, सचखंड भी। और यहाँ कहे हमारी जात सतनाम है, हमारा धर्म सतपुरुष है। और यह पराया देश छोड़कर आत्मा अपने उस देश को जा रही है।
अब पुण्यात्माओं, ऐसे आपको ये सभी दिखाए जा रहे हैं, नकली और असली आपके रूबरू कराए जा रहे हैं, तो अब समझदार हो, आपने जौन सा ठीक लग गए उसको ग्रहण कर लेना। अगर फिर भी आपका ये नकलियों में रुचि है तो नो प्रॉब्लम, वो आपकी मौज है। अब इसी में आगे ये डिस्क्लोज भी कर दिए इसने तीनों मंत्र, श्यामन सिंह जी ने इसी 262 पृष्ठ पर संत मत प्रकाश भाग 4 में ये तीन मंत्र ओम तत्सत वाले तीनों यहाँ लिख भी दिए। तो इन्होंने कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, अरियो अड़ंगा ज्ञान जोड़िया, इनको ज्ञान कहीं का है नहीं, जहां से भी जो कुछ सुन लिया वो ही लिख दिया, और खुद ये पांच नाम दे और समर्थन कर रहे हैं तीन नामा का। देखो यही संत मत प्रकाश भाग 4 का हम पढ़ रहे हैं नीचे, यहां तक हमने पढ़ लिया, वह अक्षर हमारे अंदर हैं और पार ब्रह्म जाकर मिलेंगे, मरे पाछे मिलेंगे। और यहां देखना, अंदर शब्द के दर्जे हैं, ओम शब्द, सोहम शब्द और सत शब्द। आत्मा दर्जे के अनुसार अपने असली मकसद भाव असली देश को जा रही है। अब इनके आगे भी रखा है सारा कुछ मसाला, अपने आत्माओं इन्होंने जहां से भी जो कुछ मिल गया वो ही लिख दिया, केवल अपनी चतुरता दिखाने के लिए। वो लीला की थी गुरु नानक देव जी ने कि आने वाले समय में, क्योंकि ये डिस्क्लोज तो करना थोड़ा बहुत पड़ेगा, इसको जाप ना करे कोई, इसलिए आने वाले उन गुरुओं ने जब गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किया, वाणी का गुरु ग्रंथ साहिब के रचना की, उस समय ये दोनों अक्षर छोड़ दिए और प्राण संग्रह में एज इट इज लिखे हुए हैं, पूरा का पूरा कई कई बार लिखे हैं, जो पटियाला हाउस के अंदर आज भी सुरक्षित है। और उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कुछ वाणी जो गुरु ग्रंथ साहिब के संग्रह करते समय बच गई थी, बाद में इसमें संग्रह की गई है, और ये महला पहला की गुरु नानक देव जी की अपने अमृत वाणी है। अब इन्होंने कहते हैं ना सतनाम का बेरा। अब देखिएगा ये संत मत भाग 3 और सावन सिंह जी का ही ये लिखा हुआ है, उसी का ज्ञान है। ये देखिएगा महाराज सावन सिंह जी, और ये देखना ये इनका चेहरा, ये है सावन सिंह जी, और ये संत मत प्रकाश भाग 3। प्रकाशक हैं जगदीश चंद्र सेठी, सेक्रेटरी राधा स्वामी, सत्संग व्यास, डेरा बाबा जयमल सिंह, प्रिंटेड इन इंडिया बाई गोपसॉन्स पेपर लिमिटेड। यहाँ दिखाते हैं आपके इसके 102 पृष्ठ पे, इनका उवा बाई देखो पृष्ठ 102 पे, संत मत भाग 3 प्रकाश भाग 3। यहाँ देखिएगा सतपुरुष सतनाम कहाई, सतलोक निज पाया आई। सतपुरुष को सतनाम कहते हैं, ये यहाँ देख कितना स्पष्ट लिख रहे हैं, और सतलोक निज पाया आई, ये वाणी शिवदयाल जी की है, और ये अनुवाद करा, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है, सभी के और सभी के अंदर है। अगर यह सतगुरु से राह लेकर मेहनत करके अंदर पर्दा खोल ले तो सचखंड पहुंच सकता है। अब देखो, अब देखना ध्यान से, सचखंड या सतनाम चौथा लोक है। अब 107 पृष्ठ पर देखो, 107 पृष्ठ पर ये वही संत मत प्रकाश भाग 3। अब यहां से शुरू होता है, वही सत्संगी हजूर जहां राम नाम का जस होता है, जहां राम नाम का जस यानी महिमा होता हो। अब महाराज जी कहते कौन से राम का, सावन सिंह जी कहते हैं कौन से राम की बात कर रहे हो तुम, वही सत्संगी, क्या राम बहुत सारे हैं। सावन सिंह जी कह रहे हैं 4 राम हैं, आपका इशारा कौन से राम की तरफ है। अब देखिएगा, वही सत्संगी हजूर चारों राम को खोल कर बताइए। महाराज जी सावन सिंह जी लगे फिर व्याख्या करने, डिफाइन करने, एक राम दशरथ घर डोले, ये कबीर जी की वाणी है, एक राम घट घट में बोले, एक राम का सकल पसारा,
एक राम त्रिभुवन से न्यारा। अब यहां श्रावण सिंह जी कह रहे हैं पहला राम राजा दशरथ के बेटे जो त्रेता युग में हुए अवतार थे, ठीक है, अवतार थे, आए और अपनी ड्यूटी अदा करके चले गए, लेकिन अब हमें नहीं मिल सकते, हमारा काम नहीं कर सकते। दूसरा राम मन है जो घट घट में व्यापक है। तीसरा राम ब्रह्म है जो सारी त्रिलोकी को पैदा करता, पालता और नाश करता है। और चौथा राम सतनाम है, यह असली राम है। अपने आत्माओं इन कई सतनाम ना समझ मारिया, इसते यू खान का है कि पीन का है, यू आदमी है कोई पशु पक्षी है या कोई स्थान है कि यू जाप करने का है। और ये बात बनाओ सचखंड और सतलोक जान की, तो परमात्मा कबीर साहब जी कहा करते इन गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव का लाद ये ईब जड़े नहीं जाड़े। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मुल मुल खासा गल मोतियों के आर, पति भरता को मिले न खादी सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, अज्ञानी को परम विवेकी ज्ञानी को मूड गवार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भई साधो यो सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भई साधो यो सब उल्टा व्यवहार, सचों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार, कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्यवहार, कह कबीर सुनो भई साधो या सब उल्टा व्यवहार, सच्चों को तो ये झूठा बतावे इन झूठों का एतबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार। नमस्कार जी। नमस्कार सर, सत साहिब। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम विमला उपाध्याय है। कहाँ से आए हैं आप? मैं रुद्रपुर जिला उधम सिंह नगर उत्तराखंड से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी मैंने संत रामपाल जी महाराज से मई 2014 में नाम दीक्षा ली थी। क्या करते हैं आप? सर मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, BSc करती हूँ मैं अभी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले मेरे पेरेंट्स राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए थे। बलजीत सिंह जी महाराज थे, उनसे जुड़े हुए थे और वो पांच नाम बताते थे और बस मेरे पेरेंट्स जुड़े हुए थे, मैं नहीं जुड़ी हुई थी राधा स्वामी सत्संग से बस, और ब्रह्मा विष्णु महेश यही सब नॉर्मल साधना, यही सब पूजा वगैरह करते थे। तो आप जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की पूजा करते थे तथा आपके पेरेंट्स राधा स्वामी से भी जुड़े हुए थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप क्यों आए? सर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में सबसे पहले
मेरे घर में मेरे पापा जुड़े थे और मेरे पापा ने ही मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से जोड़ा है। मुझे पापा जी ले गए थे आश्रम और पापा जी ने नामदान दिलवाया था और मई 2014 में मैंने नामदान ले लिया था। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले आप ब्रह्मा विष्णु महेश आदि की भक्ति करते थे, उनकी भक्ति से क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? सर लाभ तो कुछ हमें तब पता भी नहीं था कि गुरु जी की शरण में जाने से लाभ होते हैं। जैसे पहले चल रहा था नॉर्मल, मतलब हमारी लाइफ में वही सब था, थोड़ी बहुत दिक्कतें थी और बाकी कोई खास लाभ नहीं मिला हमें। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से हम जब से जुड़े हैं उसके बाद से हमें काफ़ी सारे लाभ हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले तो हम लोग बचपन से, जब से क्या कहते हैं मैं आई हूँ शायद यहाँ पे, तब से हम लोग हमेशा मतलब रेंट पे रहे हुए हैं और क्या कहते हैं हमारे पास अपना घर नहीं था कभी भी। तो जब हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए उसके बाद से हमें पता भी नहीं चला और हमारा घर बन गया इतने अच्छे शहर में, रुद्रपुर में भी हम रहते हैं। तो और ये बहुत बड़ा लाभ है हमारे लिए क्योंकि हम लोग अपने घर में रह के अभी भक्ति कर रहे हैं। और दूसरा लाभ ये है कि पहले हम लोग यहाँ पे को पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो पापा का जो जॉब था वो पहाड़ साइड में था, मतलब हम लोग अलग थे, पापा अलग अकेले रहते थे। तो हम लोग चाहते थे कि किसी भी तरीके से पापा और हम सारे परिवार वाले साथ आ जाएं, लेकिन पापा ने बहुत कोशिश भी की कि हम लोग इधर आ जाएं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। लेकिन जब एट लास्ट में कुछ नहीं हो पाया तो पापा जी ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आप ही हैं करने वाले। तो उसके जस्ट कुछ ही एक महीने बाद ही उसके बाद पापा के लिए एक, मतलब एक वो आया था न्यूज़पेपर में, आई थी एक बहुत अच्छे विभाग से थी जॉब। तो पापा ने वहाँ पर ट्राई किया और सिर्फ ट्राई किया और उसके बाद जस्ट पापा की जॉब यहीं लग गई रुद्रपुर में ही, इवन हमारे घर से शायद कुछ ही किलोमीटर दूर पे है। तो ये हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम लोग मतलब हम लोग कभी साथ आएंगे और हम लोग इतने अच्छे से भक्ति करेंगे। तो पापा की आसानी से जॉब इधर लग गई, तो ये गुरु जी की दया है हमारे ऊपर, बहुत असीम कृपा है उनकी। और उसके बाद लाभ ये कि पहले से मैं क्या कहते पढ़ाई करती थी काफ़ी, लेकिन मैं मार्क्स नहीं आ पाते थे मेरे, तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैं पढ़ाई करती हूँ और फिर भी मेरे मार्क्स नहीं आ पाते हैं। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए हैं तब से उसके बाद से ही शायद इतनी ज़्यादा प्रोग्रेस मुझे मिली है। और उसके बाद से मतलब मैंने 12th में रामदान लिया था और उसके बाद से 12th में मेरी इतनी अच्छी परसेंट आई थी जिसको मतलब मैं बिलीव भी नहीं कर पा रही थी कि ये मतलब मेरी इतनी अच्छी परसेंट आई है। और उसके बाद अभी मैं और आगे को पढ़ाई कर रही हूँ तो उसमें भी अभी मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है और साथ में हम भक्ति भी कर रहे हैं। उसके बाद मेरी सिस्टर हैं, हम लोग तीन सिस्टर हैं। तो आजकल बेटियों को बोझ समझा जाता है सिर्फ इसलिए क्योंकि शादी में दहेज देना होता है और इतनी सारी धूम धड़ाके करने होते हैं जिसमें काफ़ी रुपया वेस्ट होता है। तो लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हम गए हैं, उनकी दया से एक इतना बड़ा टेंशन, शायद लाइफ का सबसे बड़ा टेंशन हमारे पेरेंट्स के ऊपर से हट गया है। क्यों, मेरी जो सिस्टर हैं, बड़ी सिस्टर हैं, उनकी शादी हुई है बहुत अच्छे घर में हुई है और दहेज रहित हुई है, बहुत सिंपल हुई है। तो इसके लिए हम आज सभी बहुत खुश हैं। यू गॉट मैनी बेनिफिट आफ्टर ज्वाइनिंग संत रामपाल जी महाराज आश्रम, सो हाउ डू यू फील नाउ इट इज? सर आई गॉट मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम संत रामपाल जी महाराज एंड आई फील आई एम वेरी लक्की दैट आई वेंट टू द आश्रम एंड आई टुक द नामदान फ्रॉम द संत रामपाल जी महाराज एंड आई विश दैट होल वर्ल्ड विल कम वेरी सून एंड विल जॉइन विद संत रामपाल जी महाराज। सभी से यही विनती करना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग बहुत सारे चैनलों में आता है और गुरु जी की वेबसाइट है, आप लोग ज़रूर से विज़िट करें और संत रामपाल जी के महाराज जी के सत्संग ज़रूर देखें और इसी से ही आपके इस मनुष्य जीवन का कल्याण होगा, अन्यथा इस मनुष्य जीवन में और कुछ नहीं है। क्योंकि सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सभी लोग अफसर बन रहे हैं, बड़े बड़े क्या कहते हैं बहुत बड़े बड़े अफसर बन रहे हैं, लेकिन अभी अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उनके पास कुछ भी नहीं बचता है और इस पढ़ाई का कोई भी बेनिफिट नहीं है अगर वो लोग भक्ति से नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए मैं सभी से विनती करती हूँ कि अपने
मनुष्य जीवन को सफल करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग जरूर देखें और उनका ज्ञान समझें। और ज्ञान जब आप समझ जाएंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण गुरु हैं और उन्हीं से हमें नाम दीक्षा लेके हमें मोक्ष प्राप्त होगा। जैसा कि मीडिया में बताया गया कि संत रामपाल जी के आश्रम में लेडीज बाथरूमों में कैमरे लगे हुए थे, इसके पीछे क्या सच्चाई है? सर, इसके बारे में मैं सभी को बता देना चाहती हूँ कि यह जो झूठी बात कही गई है, ये सिर्फ मीडिया ने अपने काल्पनिक तरीके से और गलत तरीके से ये सब दिखाया हुआ है। क्योंकि मेरे पेरेंट्स मुझे खुद आश्रम में लेके गए थे और वहाँ कितनी लाखों माई बहन बेटियाँ आती हैं, तो वो कोई बेवकूफ तो है नहीं जो ऐसी जगह पर आएंगे। और वहाँ पे को जो कैमरे की बात हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि मैं कई बार आश्रम में गई हुई हूँ। ये सिर्फ इस करप्ट मीडिया, इंडिया की करप्ट मीडिया का सिर्फ झूठा प्रचार प्रसार है और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए जन समुदाय को क्या करना होगा? सर, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कई सारे चैनलों में आते हैं, तो उनमें नीचे से पट्टी चलती है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए रहते हैं। तो अगर कोई भी पुण्य आत्माएं अगर जुड़ना चाहती हैं संत रामपाल जी महाराज जी से, तो उन कॉन्टैक्ट्स पे पता कर सकते हैं कि उनके नज़दीकी नामदान स्थल कहाँ पे हैं, और पता करके आसानी से निःशुल्क नामदान ले सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहिब जी।